वेलकम गाइस माय यूट्यूब चैनल। गाइस आप सभी लोग कैसे हो? आई होप गाइस आप लोग मस्त और एकदम फिट रहोगे। और आज की हमारी जर्नी रहने वाली मुंबई टू वाराणसी, जो कि अभी मैं आ चुका हूँ मुंबई की लोकमान्य तिलक टर्मिनल स्टेशन पे, जो कि इसको कुर्ला स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। और ये स्टेशन का कोड है LTTT। और जो अभी हम जर्नी करने वाले हैं वाराणसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस पे, जो कि ये 26 घंटे की हमारी ये जर्नी रहने वाली है। और ये 26 घंटे में हम 1490 किलोमीटर का तय करने वाले हैं। और अभी हम आ चुके जैसे कि अभी कुर्ला स्टेशन पे, और ये 10:45 को यहाँ कुर्ला स्टेशन से छूटेगी। तो पहले चलते हैं, हमारी ट्रेन है जो कि आके लगी हुई है, ट्रेन के अंदर बैठते हैं, उसके बाद आपसे हम बात करते हैं। जो हमारी ट्रेन थी वो निकल चुकी है 10:45 को, लोकमान्य तिलक टर्मिनल से छूटी थी। और अब आपसे अब मैं मिलता हूँ सुबह में, जब तक के लिए शुभ रात्रि। किलोमीटर तय करने के बाद हम पहुंच चुके अपने फर्स्ट स्टॉप पे इटारसी जंक्शन, जो कि हम पहुंचे हैं 10:20 पे। यहाँ सिर्फ 10 मिनट का होल्ड है, जो हमें ट्रेन है यहाँ 10 मिनट डिले चल रही है। और अभी आप देख सकते हैं अभी मेरा माइक है ना वर्क करना ही एकदम से बंद हो चुका है, क्योंकि जो कि नाइट में ना मैंने माइक निकाला नहीं और इसे ही सो गया ना, तो यार माइक चलना ही मतलब बंद हो गया। और चलते हैं और यार चाय लेते हैं कुछ, और मैं और मेरा भाई निकल चुके यार चाय लेने, पर यार चाय तो मिलती नहीं है। फिर हमने डिसाइड किया कि हम लेंगे केसर मिल्क, जो कि हमने यहाँ से लेते हैं अंकल जी से केसर मिल्क, जो कि हमको पड़ता है 30 रुपये का। और चलते हैं अभी को टेस्ट करते हैं, और आप देख ही सकते हो क्या ही हुआ मेरे साथ। पर छोड़ो कोई बात नहीं है, पर टेस्ट में एक नंबर है। अब चलते हैं ट्रेन के अंदर बैठते हैं, क्योंकि सिर्फ यहाँ 10 मिनट होल्ड है ट्रेन का। अब आपसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टॉप पे। हम पहुंच चुके जबलपुर जंक्शन पे, जो कि जो ट्रेन है ना हमारी जो 20 मिनट डिले चल रही है, इसलिए अभी हम पहुंचे 2:45 पर। और जो ट्रेन है ना जो सिर्फ 10 स्टेशन का होल्ड करेगी, और अभी तक हम लोग 5 जो स्टेशन है ना अभी तक हमने क्रॉस कर लिया है। और पहले चलते हैं जबलपुर का स्टेशन थोड़ा घूमते हैं, उसके बाद देख सकते हैं फ्री में पानी जो की सेवा दी जा रही है। अभी हमने लिया जबलपुर जंक्शन से छोले चावल, जो कि अभी हमने लिया 50 रुपये में। और आपको मैं इसका टेस्ट बताऊँ ना, तो आपने मतलब ले लिया है ना ये, तो आप इसको खा के अपना पेट भर सकते हो। अब चलते हैं यार अपनी ट्रेन के अंदर बैठते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ 5 मिनट का होल्ड है। अब आपसे मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट स्टॉप पर। बात अब आया सतना जंक्शन, 6 बजे हम गए हम सतना जंक्शन पे पहुँचे हैं। और जो हमारी गाड़ी है वो लेट चल रही है 15 मिनट, 2 स्टेशन है, 2 स्टेशन के बाद बस वाराणसी जंक्शन है, और यहाँ से 5 मिनट का होल्ड है। तो चलते हैं ट्रेन के अंदर बैठते हैं। चुके हैं मालिकपुर जंक्शन, जो कि यहाँ सिर्फ 2 मिनट का होल्ड है। अब ये डायरेक्ट ट्रेन है ना वाराणसी जंक्शन रुकेगी, और जो हमारी ट्रेन है ना जो 10 मिनट जो डिले चल रही है। और चलते हैं पहले बैठते हैं ट्रेन के अंदर, और आपसे हम मिलते हैं डायरेक्ट वाराणसी जंक्शन पर। तो
गया तो भी पहुँच चुके हैं वाराणसी जंक्शन, जो कि हमारी जो ट्रेन थी ना एक घंटे डिले चल रही थी, इसलिए हम लोग पहुँचे हैं 3 बजे, जो कि उसका एग्जिट टाइम है 1:35 का। जैसे जंक्शन का कुल 8 प्लेटफॉर्म है, जो 61 से भी ज़्यादा ट्रेनें यहाँ से बन के चलती है और 330 से भी ज़्यादा ट्रेन यहाँ क्रॉस करती है। तो अब चलते गए सब, ये वीडियो को यही एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, आप जल्द ही नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, जब तक देखते हैं, बाय बाय।